हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सोनिया क्राफ्ट्स क्रिएटिविटी पर। फ्रेंड्स, सॉफ्ट टॉय सीरीज में आज मैं आपको जो डॉल्फिन फिश होती है, ह्यूमंस फ्रेंडली होती है मछली डॉल्फिन, उसकी कटिंग करना बताऊंगी। लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से आप अपनी डॉल्फिन फिश कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो सामान चाहिए इसमें, कोई चार्ट पेपर किसी भी कलर का, स्केच पेन या पेन, इंच टेप और कैंची की आवश्यकता होगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फिश के लिए टोटल चार पीस होते हैं। मैं इनकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आपको कटिंग करना बताती हूँ। सबसे पहले मेन पार्ट फिश का चार्ट पेपर फैला लीजिएगा, इंच टेप, पेन, इस तरह की शेप चार्ट पेपर पर बनाइएगा। ये इसका मुंह होगा आगे से। मैं इसकी लंबाई चौड़ाई आपको अभी बता देती हूँ। पहले आप शेप बना लीजिए, ये फेस अपने हिसाब से, ये इसके ऊपर से कमर, ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए नीचे से ये कट, और यहां से इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप शेप बनाइएगा। अब इसकी आप लंबाई चौड़ाई देख लीजिए। फिश की टोटल लंबाई 10 इंच, फेस इसका ये जो मुंह है ये 2 इंच का है। आगे चलेंगे, बीच में 4.5 इंच है, थोड़ा आगे जाकर 4 इंच, नीचे की तरफ 3.5, और सबसे नीचे 2। नीचे के मुंह से यहां तक ये 12 इंच है। यहां इसकी आईज लगेंगी, आप निशान लगा लीजिएगा। यहां इसका फेस, ये बॉडी है, लिख लीजिए। वन पीस काटिएगा, यहां बिंदी लगाइएगा, और यहां फिर इससे ऊपर यहां, और यहां यहां पंख लगाएंगे। ये एक पीस पूरा हो चुका है, देखिए इस तरह से लगाइएगा। फिश का बेस है, इस तरह से बनेगा, यहां से उठा हुआ, और ये नीचे की ओर जाकर पतला हो जाएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई भी बता दूंगी। यहां से आधे पत्ते की शेप में, अब आप इसकी लंबाई चौड़ाई देखिएगा। टोटल लंबाई इसकी 12.5 इंच है। सबसे आगे से 2 इंच, ये जो पत्ते की शेप है, यहां से यहां तक 2 इंच, फिर यहां से यहां जो उठा हुआ शेप है, यहां 4 इंच, आगे जाते हुए 3, 2.5 और 2, इस तरह से ये कम होता जाएगा। देखिए 2, 4, 3, 2.5 और 2। ये वीडियो को फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं इसको कपड़े पर कैसे निशान लगाते हैं और उसे कैसे सिलते हैं ये बताऊंगी। आप उसे भी जरूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सॉफ्ट टॉयज की और वीडियो भी देखिएगा, उनके लिंक मैंने दिए हुए हैं। ये बेस है, अंडरबॉडी, वन पीस काटिएगा। यहां आप लिख लीजिएगा ए, यहां बी, यहां सी, और इसके बीच में इस तरह से बीच में निशान लगेगा ए बी सी। ये आपको सेकंड पार्ट में जब हम इसे सिलेंगे तो ये आपको पॉइंट काम आएंगे। तीसरा पीस ये है टेल, फिश की पूंछ होगी, इस तरह से बनाइएगा। ऊपर से फ्लैट लकीर खींचेंगे, थोड़ा थोड़ा बराबर में दोनों साइड, इस तरह से, जैसे आपने हाफ मटका बना लिया हो, और फिर उसे नीचे से ऐसे कर देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनाइएगा। टेल, वन पीस, और चौथा और लास्ट पीस ये है पंख, फिन। ये कैसे बनेगा, इस तरह से काट लीजिएगा, एक लाइन खींचेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई 2 इंच है, 2 इंच, और ये बराबर में से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 2.5 इंच है। फिन की लंबाई 3 इंच। फिर आप इसे नीचे की साइड लाइन बनाइएगा इस तरह से, ये फिन है पंख, वन पीस काटिएगा। अगर आपको कपड़े में दूसरी साइड कैसे काटती है नहीं समझ आता, तो आप इसे दूसरा पीस यहीं पर काट लीजिएगा इस तरह से पलटकर। ये टोटल 4 पीस हो गए हैं, अब आप इन्हें कट कर लीजिएगा, और इसकी सेकेंड पार्ट वीडियो का देखना ना भूलिएगा जो जल्दी आएगा, जिसमें मैं आपको इस फिश को सिलना बताऊंगी। आप मेरी सॉफ्ट टॉयज की रैबिट मेकिंग, बर्ड मेकिंग, छोटा और बड़ा टेडी बियर मेकिंग, कटिंग वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।